अक्षय ऊर्जा दिवस में सद्भावना दिवस के मौके पर आज मंगलवार प्रातः 6 बजे अक्षय ऊर्जा दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं सभी को ऊर्जा बचत और सद्भावना की शपथ दिलाई गई। साथ ही सूचना केंद्र में विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जा रहे हैं। अजमेर में अक्षय ऊर्जा दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ बजरंगगढ़ से आरंभ होकर वैशाली नगर होते हुए रीजनल कॉलेज चौपाटी स्थित खरमोर पॉइंट पर समाप्त हुई। इस दौड़ को जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने हरी झंडी दिखाई और इनमें शामिल भी हुए। इस दौड़ में 500 से अधिक कर्मचारियों व अन्य लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर अक्षय ऊर्जा बचत के साथ ही सामाजिक सद्भावना व भाईचारे की शपथ भी दिलाई गई। इस दौड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप प्रथम एवं द्वितीय, सिविल डिफेंस, पुलिस विभाग, हरियाणी बटालियन, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षा विभाग, NCC, कारागर प्रशिक्षण संस्थान, स्काउट गाइड सहित आमजन ने भाग लिया। आज हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर अक्षय ऊर्जा दौड़ का अजमेर में आयोजन किया गया है और जैसा कि निर्देश है आज के दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो आज सुबह ही हम लोगों ने इस अक्षय ऊर्जा दौड़ का आयोजन किया है जिसमें 500 से भी ज्यादा प्रतिभागी इस दौड़ में शामिल हुए हैं और इसमें पुलिस लाइन और हाड़ी रानी बटालियन, स्वास्थ्य विभाग और जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सभी जिला स्तरीय अधिकारी गण का इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और जो संदेश देने की कोशिश की गई है कि अक्षय ऊर्जा जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसका हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और साथ ही साथ भारतवर्ष में सभी जो नागरिक गण है सद्भावना से रहे, प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे और एकता का प्रदर्शन करें। यही इस दौड़ के माध्यम से और सद्भावना दिवस के माध्यम से और जो प्रतिज्ञा दिलाई गई है अक्षय ऊर्जा की और सद्भावना की वो उसको सभी लोगों ने ग्रहण किया है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसके लिए जागरूक होंगे और प्रयास करेंगे।